दिल्ली में बीजेपी का कुनबा आज और बढ़ गया। कभी आम आदमी पार्टी में रहे विनोद कुमार बिन्नी बीजेपी में शामिल हो गए। वैसे कुछ दिन पहले तक कह रहे थे कि मैं किसी पार्टी में नहीं जाने वाला, हमारे ही चैनल से कह रहे थे। बीजेपी में आपसे इंपोर्टेड नेताओं की लिस्ट लंबी होती जा रही है। बीजेपी के आंगन में चहलकदमी करते विनोद बिन्नी आए तो बीजेपी के नेताओं ने बाहें फैलाकर स्वागत किया, तालियां बजी, भगवे अंगोछे से नए सदस्य का परिवार में अभिवादन हुआ और फिर दिल्ली बीजेपी के कप्तान साहब ने नए टीम मेंबर की पीठ भी थपथपाई। विनोद कुमार बिन्नी जी, पूर्व विधायक, पूर्व पार्षद, लगातार जो सामाजिक और राजनीतिक गतिविधियों में बहुत ज्यादा आप सक्रिय रहे हैं, उसी कारण से वो पहले पार्षद भी थे और पार्षद होने के बाद अन्ना के आंदोलन में जिस प्रकार से उन्होंने भाग लिया, आम आदमी पार्टी बनी, हमारे पास वो संपर्क में थे और भारतीय जनता पार्टी आज वो ज्वाइन कर रहे हैं, उनका हम हृदय से स्वागत करते हैं। भारतीय जनता पार्टी परिवार में आपका स्वागत है। बिन्नी को लाकर बीजेपी के नेताओं ने केजरीवाल पर अनगाइडेड मिसाइल का इंतजाम कर लिया है। बिन्नी आम आदमी पार्टी में केजरीवाल के वर्चस्व के खिलाफ बगावत की आवाज बुलंद करने वाले पहले नेता थे। केजरीवाल ने उन्हें पार्टी से निकाल दिया तो वो लंबे अरसे से बीजेपी के दरवाजे पर दस्तक दे रहे थे। आज उन्हें दाखिला मिल गया तो भावुकता जुबा पर छलक आई। बहुत ही मुझे लगता है कि मेरे जीवन का बहुत महत्वपूर्ण दिनों में से एक दिन है। भावनाओं के साथ मैं पार्टी के साथ जुड़ा हूँ। मैं आप सब लोगों के बीच में साथ बिल्कुल स्पष्ट करूँ कि मैं इस पार्टी के आज के इस पल से सच्चा सिपाही हूँ। पार्टी जो हमने नेतृत्व जो भी जिम्मेदारी देगी, जो जिस भी तरह का कोई काम हमें मिलेगा, हमारी कोई महत्वाकांक्षा कहीं से लड़ने की नहीं है, हमारी कोई ऐसी चीज नहीं है कि भाई हमें कुछ चाहिए। बिन्नी के आते ही आम आदमी पार्टी से बीजेपी में आने वाले नेताओं की फेहरिस्त की लंबाई चौड़ाई भी खासी बढ़ गई है। शाजिया अलमी, MS धीर, हरीश खन्ना, अशोक चौहान, अश्विनी उपाध्याय, ये तो कुछ जाने पहचाने चेहरे हैं। छोटे और मझोले नेताओं के नाम जोड़ दें तो इस सूची का दायरा दर्जन पार कर जाता है और अगर इंडिया अगेंस्ट करप्शन की किरण बेदी को भी शामिल कर लिया जाए तो सूची और भारी भरकम हो जाती है। विवेक शुक्ला, दिल्ली आज तक।